सावन का महीना और भगवान शिव के दर्शन और उनके भक्तों का एक अलग कनेक्शन है। चाहे सावन के महीने में बाबा बैजनाथ धाम का दर्शन करना चाहते हो या फिर और किसी महीने में देवघर में स्थित भगवान शिव के दर्शन करने की योजना बना रहे हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चलिए आज हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो कि झारखंड के देवघर में स्थित है बाबा बैजनाथ धाम, उसके बारे में बताने वाला हूँ। कैसे आप वहाँ पहुँच सकते हैं, कैसे वहाँ आप दर्शन कर पाएंगे, साथ ही साथ क्या क्या नियम है, किन बातों को आपको ध्यान रखना है और एक पद का कुल खर्चा कितना आ जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देंगे। चलिए बाबा का नाम लेते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेवल MS2। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप बाबा बैजनाथ धाम कैसे पहुंच सकते हैं। बाबा बैजनाथ मंदिर का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है JCDEH और सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट देवघर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जहां से बाबा बैजनाथ की दूरी करीब 8.5 और 9.5 किलोमीटर है। इन दोनों जगहों से बाबा बैजनाथ मंदिर जाने के लिए आप ऑटो व टैक्सी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों अगर आप JCDEH रेलवे स्टेशन या फिर देवघर अंतर्राष्ट्रीय अड्डा से ऑटो या फिर टैक्सी के माध्यम से बाबा बैजनाथ धाम मंदिर जाते हैं तो ऑटो व टैक्सी वाले आपको बाबा बैजनाथ मंदिर से मात्र 500-600 मीटर पहले टावर चौक पर ड्रॉप कर देगा, जहां से आप वॉक करके बाबा बैजनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों हम देवघर पहुंच चुके हैं, अब हम बाबा बैजनाथ मंदिर के आसपास खाने की सुविधा क्या है इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों बाबा बैजनाथ के पास व टावर चौक के पास आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट और होटल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप खाना खा सकते हैं। दोस्तों बाबा बैजनाथ मंदिर के आसपास खाने पीने के रेट काफ़ी ज़्यादा नहीं है, यहां पर आपको मात्र 80 रुपये से 100 रुपये थाली सिस्टम खाना मिल जाएगा। अगर पूरे दिन में खाने पीने के होने वाले खर्च की बात करें तो एक दिन में आपका खाने पीने का टोटल खर्च 300-400 रुपये तक हो सकता है। दोस्तों ये होगी खाने पीने की बात, अब हम बात कर लेते हैं बाबा बैजनाथ के आसपास होटल वगैरह की क्या सुविधा है। बाबा बैजनाथ मंदिर के पास स्थित टावर चौक पर आपको रात में ठहरने के लिए बहुत सारे होटल की सुविधा देखने को मिल जाएगी, जिसका एक दिन का खर्च किराया 400 रुपये से शुरू होकर 2500 रुपये के आसपास होता है। दोस्तों अगर आपके पास बजट थोड़ा कम है तो या बाबा बैजनाथ मंदिर के दर्शन के दौरान आपको सबसे कम रेट वाले होटल्स में ठहरना है तो आप यहां पर 400 रुपये से 500 रुपये में भी होटल मिल जाएंगे, लेकिन पीक सीजन यानी सावन के महीने में इन होटलों का प्राइस एक दिन के लिए 700 रुपये 800 रुपये हो जाता है। आप अपने बजट को देखते हुए बाबा बैजनाथ के आसपास होटल बुक करके रात में ठहर सकते। शिव का नाम बैजनाथ भी है, इस कारण लोग इसे बैजनाथ धाम भी कहते हैं। यह एक शक्तिपीठ है, इस कारण इस लिंग को कामला लिंग भी कहा जाता है। देवघर में शिव का अत्यंत पवित्र और भव्य मंदिर स्थित है। हर वर्ष सावन के महीने में श्रावण मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बम बम भोले का जयकार लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। ये सभी श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर 100 किलोमीटर के अत्यंत कठिन पैदल यात्रा कर बाबा को जल चढ़ाते हैं। बैजनाथ ज्योतिर्लिंग होने के कारण इस स्थान को देवघर अर्थात देवताओं का घर कहते हैं। बैजनाथ धाम में माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए यह स्थान एक शक्तिपीठ भी है। बैजनाथ ज्योतिर्लिंग में भोलेनाथ का यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामला लिंग भी कहते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार दैत्यराज रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर काट कर शिव जी को अर्पण करने लगा। 9 सिर काटने के बाद जब 10वां सिर वह काटने जा रहा था तब शिव जी प्रकट हुए। रावण के कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने शिव जी को लंका में वास करने का वरदान मांगा। उस समय देवादिदेव महादेव ने उन्हें आत्मलिंग प्रदान कर दिया और एक शर्त भी रख दी, जिस भी स्थान पर ये लिंग धरती से सोएगा उस स्थान पर ये स्थापित हो जाएगा। लेकिन रावण जैसे असुर जो आत्मलिंग दिए जाने से माता पार्वती खुश नहीं थी और उन्हें ये चिंता थी कि रावण इस आत्मलिंग को प्राप्त करके अजय हो जाएगा। माता पार्वती की योजना के अनुसार वरुणदेव रावण के कमंडल में प्रवेश कर गए और भी बीच रास्ते में रावण के लोकसंख्या की तीव्र इच्छा हुई। तब उसने उस अपने पुष्प विमान को नीचे उतारा और वहां एक निर्जल स्थान देवघर पहुंच गया। तभी भगवान विष्णु चरवाहे के भेष में वहां पहुंच गए। तब कोई उपाय न देखते हुए उस आत्मलिंग को रावण ने चरवाहे को सौंप दिया और जल्द लौटने का कहकर वो निवृत्त करने चला गया। फिर इसी बीच चरवाहे ने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। जैसे ही वह शिवलिंग धरती पर छुआ वह स्थापित हो गया। लोकसंख्या से लौटकर जब रावण वापस आया तो उसने शिवलिंग को धरती पर रखा पाया। तब उसने शिवलिंग को उठाने के बहुत प्रयास किए,
पर वह शिवलिंग को उठा नहीं पाया तो उसने अपने साथ हुए छल को आभास हुआ। तब उसने अत्यंत क्रोधित होकर शिवलिंग को अपने अंगूठे से दबा दिया, जिसके निशान आज भी शिवलिंग पर हैं, और लंका वापस चला गया। फिर सारे देवतागण ने भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा याचना की। सभी देवों को घर होने के कारण इस जगह को देवघर कहा जाता है। देवघर में बाबा बैजनाथ मंदिर के साथ प्रांगण में अन्य छोटे बड़े मंदिर कुल मिलाकर 21 मंदिर और भी हैं। देवघर में ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। इस शक्तिपीठ के हृदय पीठ यानी हार्द पीठ भी कहा जाता है। सभी मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल लगे हुए हैं। ये पंचशूल सुरक्षा कवच होते हैं। रावण की लंका में भी ये पंचशूल लगा था। पंचशूल प्राकृतिक आपदा से रक्षा करते हैं। बैजनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर और पार्वती मंदिर के गुंबद में गठबंधन है। हर साल शिवरात्रि पर बैजनाथ और माता पार्वती के पंचशूल व गठबंधन को शिवरात्रि के 2 दिन पहले उतारा जाता है। पंचशूलों का मिलन कराया जाता है। विधि विधान से पूजा करके शिवरात्रि के 1 दिन पहले विध वापस लग दिया जाता है। गठबंधन को भी हटाकर नया गठबंधन किया जाता है। भक्तजन इन पंचशूलों को स्पर्श करते हैं और शिव जी और माता पार्वती का आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर में मुख पूर्व दिशा की ओर है। यह मंदिर 72 फीट ऊंचा है। उसके ऊपर 3 सोने के बर्तन गड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं और मंदिर से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप बाबा बैजनाथ के मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको बाबा मंदिर के दर्शन के साथ साथ आसपास के भी धार्मिक स्थलों को दर्शन करने जाना चाहिए। बाबा बैजनाथ मंदिर के आसपास सभी धार्मिक स्थलों के नाम आपको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहला नाम आता है बासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग, दूसरे नंबर पर त्रिकुट पर्वत, तपोवन पर्वत, नंदन पर्वत और नौलखा मंदिर। दोस्तों, अगर आपके पास समय है तो आप बाबा बैजनाथ मंदिर के आसपास इन धार्मिक स्थलों को भी विजिट कर सकते हैं और दर्शन कर। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि बाबा बैजनाथ मंदिर जाने के लिए कितने दिनों का टूर बनाना चाहिए। बाबा बैजनाथ मंदिर का दर्शन करके आप 1 दिन में भी अपने शहर के लिए रवानगी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ऊपर बताए गए सभी धार्मिक स्थलों को विजिट करना चाहते हैं तो आपको 2 दिन और 1 रात का टूर प्लान बनाना चाहिए, ताकि पहले दिन आप आसानी से बाबा बैजनाथ के दर्शन कर सकते हैं और अगले दिन आप 5 जो ऊपर बताए गए हैं उनको आप विजिट करके अपने शहर के लिए रवाना हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि बाबा बैजनाथ मंदिर के आसपास इन धार्मिक स्थलों को कैसे विजिट करें। दोस्तों, मैंने आपको ऊपर जो धार्मिक स्थल बताए हैं, आपको उन धार्मिक स्थलों को विजिट करने के लिए ऑटो व टैक्सी की सुविधा देखने को मिल जाएगी। आपको ऊपर सभी धार्मिक स्थलों को विजिट कराने के लिए आपको से 700 रुपये से 800 रुपये में ऑटो व टैक्सी की सुविधा आसानी से मिल जाएगी, जिसमें आप 4 या 5 लोग आसानी से बैठ सकते हैं और अपनी फैमिली अपने साथ में सभी लोग ऑटो में बैठ के माध्यम से इन धार्मिक स्थलों का विजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो बाबा बैजनाथ मंदिर के दर्शन करने वाले लोगों से बातचीत करके आप लोग सभी धार्मिक स्थलों को विजिट करने जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि बाबा बैजनाथ धाम के यात्रा करने में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप 2 दिन 1 रात का टूर प्लान के अनुसार बाबा बैजनाथ मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो आपको इस यात्रा में 3,000 रुपये के आसपास खर्च होने वाला है, लेकिन फिर भी आप 3,500 रुपये से 4,000 रुपये आप जरूर रख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप अपने दोस्त के साथ बाबा बैजनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो होटल के किराए 800 रुपये के साथ साथ बाबा बैजनाथ मंदिर के आसपास नजदीकी धार्मिक स्थलों को विजिट करने के लिए ऑटो व टैक्सी का किराया 800 रुपये भी आधा आधा हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आपके लगभग 800 रुपये बच जाएंगे और 3,000 रुपये की जगह आपका 2,200 रुपये खर्चा होगा। दोस्तों, इस बजट में मैंने आपको अपने शहर से बाबा बैजनाथ मंदिर जाने वाले खर्चे में बस व ट्रेन और फ्लाइट का किराया नहीं जोड़ा है, इसलिए आप इस बजट के साथ साथ बाबा बैजनाथ मंदिर पहुंचने का भी पैसा रख लीजिए। बाबा बैजनाथ धाम की यात्रा का कुल बजट की जानकारी आपको कैसी लगी, इसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। हर हर महादेव।